नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डेट बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी जीडी वालों के लिए। जिन लोगों ने फिजिकल कर लिया उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेडिकल डेट अभी मतलब मेडिकल कब तक उनका लिया जा सकता है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से, यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे, बहुत बड़ी खबर आती हुई यहाँ पर एसएससी जीडी मेडिकल के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म जो मेडिकल डेट है आपकी वो बहुत जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कन्फर्म अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जैक्ट डेट की, एग्जैक्ट डेट दोस्तों ये जो लोग बोल रहे हैं कि इससे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो आप सभी को पता होगा वैसे। लेकिन कंफर्म यहाँ पे मेडिकल जो होगा आपका, अब ये उससे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, जो भी आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप बनवा लीजिए, अभी टाइम है। लेकिन इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेडिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कब से कोलेटर आ सकता है, कितने दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद में कब तक मेडिकल आपके चलेंगे, उसके बाद में कितना क्या टाइम लग जाएगा आपको, सारा सब कुछ सभी मतलब प्रोसेसिंग कितने दिनों में कंप्लीट होगी, फाइनली आपका जो सिलेक्शन है या फिर पोस्टिंग अगर मैं बात करूं कब तक मिल जाएगा, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी लेंगे, जो भी आप कमेंट्स करते हो नीचे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे आपके मेडिकल डेट की, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है सभी लोगों का कि मेडिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। तो कंफर्म न्यूज आती हुई नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अभी बात करूं यहाँ पे मैं कितना टाइम लगेगा एडमिट कार्ड के बाद में मेडिकल स्टार्ट होने में, कम से कम दोस्तों मान के चलिए आप 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद में मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एसएससी आपको कम से कम 10 से 15 दिन मान के चलिए इतना गैप तो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में। तो ये मान के चलिए आप अगर आपका नवंबर के एंडिंग में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में, जल्द से जल्द मैं बता रहा हूं दोस्तों, इससे जल्दी नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में मेडिकल। अगर होते हैं दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके एडमिट कार्ड आना शुरू, तो ये मान लीजिए आप 20 से 20 या फिर 15 से 20 के बीच में आपके स्टार्ट होंगे मेडिकल, ओनली स्टार्ट होंगे, ख़त्म नहीं बोल रहा मैं, ये तब स्टार्ट हो सकते हैं। और हो सकता है शायद जनवरी तक भी चले जाए, लेकिन जनवरी इतना डिले होगा नहीं, दिसंबर एंडिंग तक आपके सभी के मेडिकल यहाँ पे कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। उससे ज़्यादा डिले यहाँ पे एसएससी करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी एसएससी की डिले चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एसएससी मेडिकल है आपका कन्फर्म है दिसंबर महीने में, आप मान के चलिए एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड आप सभी के यहाँ पे सभी के स्टेट वाइज यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करते रहिए, जब भी होता है, जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो दोस्तों अभी भी बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं आपको, कम से कम आपके 4 से 5 नंबर तो ज्यादा होने ही चाहिए। कट ऑफ जितनी गई है उतने अगर नंबर आपके है, या 1 नंबर ज्यादा है तो चांसेस हो सकता है, लेकिन जितनी कट ऑफ गई है उतने नंबर है तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। वहीं दोस्तों अगर बात करूं यहां पे सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट की, तो दोस्तों वो फिर उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा खींच जाती है। तो ये मान के चलिए आप 1-2 नंबर आपके अगर ज्यादा है किसी भी किसी जोन या किसी स्टेट से, किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, तो कन्फर्म आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मेडिकल आप क्लियर कीजिए, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे मेडिकल में निकलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तथा जब भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।